अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है, बहुत सारे भाइयों ने क्वेश्चंस किए थे कि हमें भाई हमें बता दें इस बारे में कि हम कनाडा के अंदर असाइलम कैसे ले सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि हम कनाडा के अंदर असाइलम कैसे ले सकते हैं, क्या तरीकाकार वगैरह होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा नाम है अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल DM0490। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि आपको पता है आपका भाई इस चैनल के ऊपर ट्रैवलिंग के बारे में, मुख्तलिफ कंट्री के वीजा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फ्राहम करता रहता है, आपको बताता है कि हम किसी दूसरी कंट्री में कैसे जा सकते हैं, क्या तरीकाकार है वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। तो आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कनाडा के अंदर जैसे हम आप जाते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर हमारे पास टू ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, जो कि हम कनाडा के अंदर खुद असाइलम अपनी करवा लें। सेकेंड, आप जो वीजा ऑफिसर जो होता है वो आपकी हेल्प करता है इसके अंदर कि हम असाइलम कैसे ले। तो वीज़ा ऑफिसर आपको बोल देता है कि आप जो है कनाडा के अंदर इनवैल्यूएबल, इनविजिबल टू इंटर इन कनाडा, आप कनाडा के अंदर आपके पास बोल दे कि आप कनाडा के अंदर नहीं जा सकते। तो आपके पास टू ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, आप अपनी जो आप वापस आ जाए कनाडा से, या सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो आप जो होता है वो अपना रिफ्यूजी प्रोटेक्शन आप अपना अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही आपका अगर आप रिफ्यूजी प्रोटेक्शन जो होता है वो आपने अप्लाई करना अगर आप करते हैं, तो जो इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है वो आपसे आपका ओरिजिनल पासपोर्ट ले लेता है। लेने के बाद वो आपको जो आपके पासपोर्ट की फ्रंट पेज की जो कॉपीज होती हैं उनके ऊपर वो, और जब वीजे की जो कॉपी होती है उसके ऊपर स्टम्प लगाता है। लगाने के बाद आपके साइन कर देता है। साइन करने के बाद वो आपका जो ओरिजिनल पासपोर्ट होता है वो अपने पास रख लेता है, और ये आपको जो पेपर होते हैं ये आपको दे दिए जाते हैं। और इसके साथ जो आपको वो देता है कंफर्मेशन ऑफ रिफ्यूजल टू RPD, वो जो आपकी कंफर्मेशन होता है वो रिफ्यूजल करके आपको RPD को वो कन्वर्ट कर देता है। और इसके साथ आपको दे देता है बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म जो आपको दे देता, जो वीज़ा इमिग्रेशन का जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो आपको उसी वक्त दे देता होता है। तो इस जैसे वो फॉर्म आपके पास आ जाता है तो उसके बाद आपके पास 45 डेज होते हैं, तो इस डेज के अंदर आपने ये अप्लाई करना होता है। तो करने के बाद आपने इसके अंदर ये होता क्या है, जो बेसिस ऑफ क्लेम फॉर्म होता है इसके अंदर आपने लिखना होता है कि सर मेरे पास मेरी जान को ये खतरा है, मेरी ये कहानी है वगैरह वगैरह, ये मेरी जान को वगैरह वगैरह ये खतरा है, आपने इस बारे में लिखना होता है क्या प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता वापस। तो ये चीज़ होती है जो जैसे आपने ये लिखना होता है 45 डेज के अंदर आपने ये जमा करवाना होता है। जो इसके बाद आपको जो जैसे आप जमा करवा देते हैं आपके, इसके बाद आपका डिपेचुअर ऑर्डर जो होता है वो आपका इशू हो जाता है। डिपेचुअर ऑर्डर जो होता ये है कि आपका केस जो होता है वो कनाडा की अदालत के अंदर सबमिट हो जाता है। सबमिट होने के बाद वो आपका चलते रहती है, आपकी इंक्वायरी होती है, आपके बारे में केस होता है। जो जो आपका जो केस होता है ये जो प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर होता है वो आपका ये हैंडल कर रहा होता है। तो होता ये है कि वो आपसे आप जो जो डिपेचुअर जो ऑर्डर होता है, इस इशू का मतलब ये होता है कि आप कनाडा के अंदर लीगली रह सकते हैं। तो जैसे आपको इश्यू हो जाएगा, तो जैसे आप जब तक आपका केस का फैसला नहीं आता, अगर फर्ज करें आपका केस का फैसला नेगेटिव आ जाता है, तो आपके पास वन ऑप्शन होता है कि आप वापस चले जाएं या आप अपील करते हैं। जब अगर आप अपील करते हैं तो आपके पास 15 डेज का टाइम होता है, 15 डेज के अंदर आपने अपील करनी होती है। जैसे ही आप अपील कर देते हैं अपना केस को दोबारा अपील करते हैं, और केस दोबारा अपील करते हैं तो दोबारा सेम आता है, नेगेटिव आ जाता है, यानी आपके हक में नहीं आता, तो आपको वो बोलते हैं कि वापस चले जाओ। तो इसके बाद जो आपका जो डिपेचर ऑर्डर होता है वो रिटर्न ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। अब होता है ये रिटर्न ऑर्डर के अंदर कि आपको 10 से 15 डेज या 20 डेज का टाइम पीरियड मिल जाता है कि इसके अंदर आपने कनाडा को छोड़ना होगा। अगर आप नहीं छोड़ते, तब भी आप नहीं छोड़ते, तो आपका जो रिटर्न ऑर्डर होता है वो जो होता है वो डेपुटेशन ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। डेपुटेशन जैसे ऑर्डर में कन्वर्ट होता है तो आपको जो इनके जो कंसर्न अथॉरिटी होती है वो आपको पकड़ती है, पकड़ने के बाद आपको कनाडा से डिपोर्ट कर देती है। तो जो इसके इसमें जो टिप्स है वो ये आपको थोड़ा सा बता दूं नॉलेज के लिए। जो रिफ्यूजी जो क्लेम फॉर्म होता है उसके ऊपर जब आपको जो वीजा ऑफिसर जब आपको देता है इमिग्रेशन का एयरपोर्ट पर, तो मिलता है, तो उसके ऊपर ना एक नंबर लिखा होता है M010।
और आगे 6 डिजिट होता है। ये जो फॉर्म होता है, ये जब ये जो नंबर होता है, ये अपने बेसिस जो क्लेम फॉर्म होता है ना, उसके ऊपर भी लिखना होता है। ये कंसिडर किया जाता है एज आईसी के तौर पर। अगर आपका केस पॉजिटिव हो जाता है यानी क्लियर हो जाता है आपका, तो आपको वो ये जो आपका जो नेक्स्ट आईसी होगा वो इस तरह शुरू होगा M010 और नेक्स्ट 6-6 डिजिट, इस तरह वो आपका आईसी जो नंबर होता है वो कंसिडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द जवाब दूँ। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपने दोस्त अहमद को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।